नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक NSSIIT बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। गबन पाठ 21। रमा शाम को दफ्तर से चलने लगा तो रमेश बाबू दौड़े हुए आए और कल रुपए लाने की ताकीद की। रमानाथ मन में झुंझला उठा। आप बड़े ईमानदार की दुम बने हैं ढोंगिया कहीं का। अगर अपनी जरूरत आ पड़े तो दूसरों के तलवे सहलाते फिरेंगे, पर मेरा काम है तो आप आदर्शवादी बन बैठे। यह सब दिखाने के दांत हैं, मरते समय इसके प्राण भी जल्दी नहीं निकलेंगे। कुछ दूर चलकर उसने सोचा, एक बार फिर रतन के पास चलूं। और ऐसा कोई न था जिससे रुपए मिलने की आशा होती। वह जब उसके बंगले में पहुंचा तो वह अपने बगीचे में गोल चबूतरे पर बैठी हुई थी। उसके पास ही एक गुजराती जौहरी बैठा संदूक से सुंदर आभूषण निकाल निकाल कर दिखा रहा था। रमानाथ को यह देखकर वह बहुत खुश हुई। आइए बाबू साहब, देखिए सेठ जी कैसी अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं। देखिए यह हार कितना सुंदर है, इसके दाम 1200 रुपये बताते हैं। रमानाथ ने हार को हाथ में लेकर देखा और कहा, हाँ चीज तो अच्छी मालूम होती है। रतन, दाम बहुत कहते हैं। जौहरी, भाई जी ऐसा हार अगर कोई 2000 में ला दे तो जो जुर्माना कहिए दूं, 1200 मेरी लागत बैठ गई है। रमानाथ ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा न कहिए सेठ जी, जुर्माना देना पड़ जाएगा। जौहरी, बाबू साहब हार तो 100 रुपये में भी आ जाएगा और बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि चमक दमक में इससे भी बढ़कर। मगर माल परखना चाहिए, मैंने खुद ही आपसे मोल तोल की बात नहीं की, मोल तोल अनाड़ियों से किया जाता है। आपसे क्या मोल तोल, हम लोग निरे रोजगारी नहीं है बाबू साहब, आदमी का मिजाज देखते हैं। श्रीमती जी ने क्या अमीराना मिजाज दिखाया है कि वाह। रतन ने हार को लुब्ध नेत्रों से देखकर कहा, कुछ तो कम कीजिए सेठ जी, आपने तो जैसे कसम खा ली। जौहरी, कमी का नाम न लीजिए हुजूर, यह चीज आपकी भेंट है। रतन, अच्छा अब एक बात बतला दीजिए, कम से कम आप इसका क्या लेंगे। जौहरी ने कुछ शुद्ध होकर कहा, 1200 रुपए और 12 कोड़ियां होंगी हुजूर। आपसे कसम खाकर कहता हूं, इस शहर में 1500 को बेचूंगा और आपसे कह जाऊंगा किसने लिया। यह कहते हुए जौहरी ने हार को रखने का केस निकाला। रतन को विश्वास हो गया, यह कुछ कम न करेगा। बालकों की भांति अधीर होकर बोली, आप तो ऐसा समेटा लेते हैं कि हार को नजर लग जाएगी। जौहरी, क्या करूं हुजूर, जब ऐसे दरबार में चीज की कदर नहीं होती तो दुख तो होता ही है। रतन ने कमरे में जाकर रमानाथ को बुलाया और बोली, आप समझते हैं यह कुछ और उतरेगा। रमानाथ, मेरी समझ में तो चीज 1000 से ज्यादा की नहीं है। रतन, होगा, मेरे पास तो 600 रुपए हैं, आप 400 रुपए का प्रबंध कर दें तो ले लूं। या इसी गाड़ी से काशी जा रहा है, उधार ना मानेगा। वकील साहब किसी जलसे में गए हैं, 9-10 बजे के पहले ना लौटेंगे। मैं आपको कल रुपए लौटा दूंगी। रमानाथ में संकोच के साथ कहा, विश्वास मानिए मैं बिल्कुल खाली हाथ हूं, मैं तो आपसे रुपए मांगने आया था, मुझे बड़ी सख्त जरूरत है। वह रुपए मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए कोई अच्छा सा हार यहीं से ला दूंगा। मुझे विश्वास है ऐसा हार 700-800 में मिल जाएगा। रतन, चलिए मैं आपकी बातों में नहीं आती, 6 महीने से एक कंगन तो न बनवा सके, अब हार क्या लाएंगे। मैं यहाँ कई दुकानें देख चुकी हूँ, ऐसी चीज शायद ही कहीं निकले, और निकले भी तो इसके द्योणे दाम देने पड़ेंगे। रमानाथ, तो इसे कल क्यों ना बुलाइए, इसे सौदा बेचने की गरज होगी तो आप ठहरेगा। रतन, अच्छा कहिए, देखिए क्या कहता है।
दोनों कमरे के बाहर निकले, रमानाथ ने जौहरी से कहा, तुम कल 8 बजे क्यों नहीं आते? जौहरी, नहीं हुजूर, कल काशी में 2-4 बड़े रईसों से मिलना है, आज के न जाने से बड़ी हानि हो जाएगी। रतन, मेरे पास इस वक्त 600 रुपए हैं, आप हार दे जाइए, बाकी के रुपए काशी से लौट कर ले जाइएगा। जौहरी, रुपए का तो कोई हर्ज न था, महीने दो महीने में ले लेता, लेकिन हम परदेशी लोगों का क्या ठिकाना, आज यहाँ है कल वहां, कौन जाने यहाँ फिर कब आना हो। आप इस वक्त 1,000 दे दें, 200 फिर दे दीजिएगा। रमानाथ, तो सौदा ना होगा। जौहरी, इसका अख्तियार आपको है, मगर इतना कह देता हूं कि ऐसा माल फिर ना पाइएगा। रमानाथ, रुपए होंगे तो माल बहुत मिल जाएगा। जौहरी, कभी कभी दाम रहने पर भी अच्छा माल नहीं मिलता। यह कहकर जौहरी ने फिर हार को केस में रखा और इस तरह संदूक समेटने लगा मानो वह एक क्षण भी न रुकेगा। रतन का रोआ रोआ कान बना हुआ था, मगर कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने खड़ा हो तो वह क्या कर सकता है। उसके हृदय की सारी ममता, ममता का सारा अनुराग, अनुराग की सारी अधीरता, उत्कंठा और चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो रही थी, मानो उसके प्राण उसी हार के दानों में जा छिपे थे, मानो उसके जन्म जन्मांतरों की संचित अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही थी। जौहरी को संदूक बंद करते देखकर वह जल विहीन मछली की भांति तड़पने लगी। कभी वह संदूक खोलती, कभी वह दराज खोलती, पर रुपए कहीं ना मिलते। सहसा मोटर की आवाज सुनकर रतक ने फाटक की ओर देखा, वकील साहब चले आ रहे थे। वकील साहब ने मोटर बरामदे के सामने रोक दी और चबूतरे की तरफ चले। रतन ने चबूतरे से नीचे उतरकर कहा, आप तो 9 बजे के आने कहकर गए थे। वकील, वहां कोरम ही पूरा ना हुआ, बैठकर क्या करता, कोई दिल से तो काम करना नहीं चाहता, सब मुफ्त में नाम कमाना चाहते हैं। यह क्या कोई जौहरी है? जौहरी ने उठकर सलाम किया। वकील साहब रतन से बोले, क्यों, तुमने कोई चीज पसंद की? रतन, हाँ, एक हार पसंद किया है, 1200 रुपए मांगते हैं। वकील, बस कोई कोई चीज पसंद करो, तुम्हारे पास सिर की कोई अच्छी चीज नहीं है। रतन, इस वक्त मैं यही हार लूंगी, आजकल सर की चीजें कौन पहनता है। वकील, लेकर रख लो, पास रहेगी तो कभी पहन भी लोगी, नहीं तो दूसरों को पहने देख लिया तो कहोगी, मेरे पास होता तो मैं भी पहनती। वकील साहब को रतन से पति का सा प्रेम नहीं, पिता का सा स्नेह था। जैसे कोई स्नेही पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है, वह भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने रहते थे। उसके कहने भर की देर थी, उसके पास उसे प्रसन्न करने के सिवा धन के लिया और क्या चीज ही थी। उन्हें अपने जीवन में एक आधार की जरूरत थी, सदेह आधार की, जिसके सहारे वह इस जीर्ण दशा में भी जीवन संग्राम में खड़े रह सके, जैसी किसी उपासक को प्रतिमा की जरूरत होती है। बिना प्रतिमा के वह किस पर फूल चढ़ाए, किसे गंगा जल से नहलाए, किसे स्वादिष्ट चीजों का भोग लगाए। इसी भांति वकील साहब को भी पत्नी की जरूरत थी। रतन उनके लिए सदैव कल्पना मात्र थी, जिससे उनकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी। कदाचित रतन के बिना उनका जीवन उतना ही सोना होता जैसे आंखों के बिना मुख। रतन ने केस में से हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोली, इसके 1200 रुपए मांगते हैं। वकील साहब की निगाह में रुपए का मूल उसकी आनंददायिनी शक्ति थी। अगर हार रतन को पसंद है तो उन्हें इसकी परवाह न थी कि इसके क्या दाम देने पड़ेंगे। उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा, सच सच बोलो, कितना लिखूं? अगर फर्क पड़ा तो तुम जानोगे।
जौहरी ने हार को उलट पलट कर देखा और हिचकते हुए बोला, 1150 कर दीजिए। वकील साहब ने चेक लिखकर उसको दिया और वह सलाम करके चलता हुआ। रतन का मुख इस समय वसंत की प्राकृतिक शोभा की भांति विहसित था। ऐसा गर्व, ऐसा उल्लास उसके मुख पर कभी ना दिखाई दिया था, मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई है। हार को गले में लटकाए वह अंदर चली गई। वकील साहब के आचार विचार में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था। भोजन वह अभी तक भी किसी ब्राह्मण के हाथ का भी न खाते थे। आज रतन उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाने गई, अपनी कृतज्ञता को वह कैसे जाहिर करते। रमानाथ कुछ देर तक तो बैठा वकील साहब का यौरव गौरव गान सुनता रहा, अंत को निराश होकर चला गया। उम्मीद है ये सुनके आपको मजा आया। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।